कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बिहार में ऐसा भी कुछ होगा सर, और जब देखा तो दिल सर वो गार्डन गार्डन हो गया सर। यहाँ पे एक ही कॉलेज के 200 से अबव डॉक्टर्स आ रहे हैं जो कॉलेज चले गए। पीएमसीएच में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो काफ़ी सपोर्ट के बाद वहाँ तक पहुँचे हैं, उन लोगों का एक इमोशन रहता है, तो वो सभी बच्चे आज आए थे। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब न जानने वाला बच्चा अगर दिल्ली एम्स में पढ़ रहा है आज तो बहुत बड़ी बात है सर। सर मेजर क्या प्रॉब्लम आई सर, किस पे लगा कि सर इस पे काम किया जाए सर, जो बच्चे आपको बताए सर? बिहार के बच्चों के साथ एक जो मेजर प्रॉब्लम है कि इनका बेस बहुत कमज़ोर होता है, राइट। वो मेधावी बच्चे जो कहीं एक छोटे से सहयोग के बिना उनके सपने अधूरे हो जा रहे थे, वो उनका पूरा होने का मौका मिल रहा है, तो ये सौभाग्य हमें भी मिलता है पूरा करने का। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ विपिन सर हैं और गोल के डायरेक्टर हैं सर। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बिहार में ऐसा भी कुछ होगा सर, और जब देखा तो दिल सर वो गार्डन गार्डन हो गया सर, और बिहार में ऐसा कुछ हो रहा है सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा, बिहार के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर, और बिहार के बच्चे के लिए कर रहे हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। आज मुझे जो पता चला है सर, यहाँ पे एक ही कॉलेज के 200 से अबव डॉक्टर्स आ रहे हैं जो कॉलेज चले गए, तो उनसे अभी आप मिले हैं सर, तो कैसा लगा सर? तो आज पटना मेडिकल कॉलेज की बारी थी। पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले वो छात्र जो फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक हैं, उनमें से कुछ बच्चे जो आ सकते थे वो आए यहाँ पे आज। तो हमारा एक सिस्टम ट्रेडिशन है कि हम बच्चों से क्वालिफाई करने के बाद भी उनका जो हमारा और उनका जो संबंध है वो बना रहता है, उनका प्यार उनका भाव हम लोगों को मिलता रहता है, क्योंकि जिस समय वो संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे तब हमारे संस्थान में सिर्फ उनको पढ़ाई नहीं दिया, वो संस्थान पढ़ाई के अलावा उनको वो सारे पॉसिबल सपोर्ट्स दिए, जिसमें इमोशनल सपोर्ट एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, केयर पार्ट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। और ये 97 से शुरू हुए संस्थान में पिछले 25-26 वर्षों में एक कल्चर रहा है, एक सिस्टम ऐसा रहा है कि हमने बच्चों को वो सारे रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं सफलता के लिए वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक सवाल है बिहार के छात्रों का, तो गांव से आने वाले छात्र बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, बहुत साधारण और अति साधारण परिवार से आने वाले छात्र हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा आर्थिक प्रॉब्लम रहता है, उन बच्चों के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ रहती है, उन परेशानियों को ध्यान में रखकर उन बच्चों से मिलते रहना, बात करते रहना, उन्हें सहयोग देना, तो ये व्यवस्था रही है हमारे संस्थान की। पीएमसीएच में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो काफ़ी सपोर्ट के बाद वहाँ तक पहुँचे हैं, उन लोगों का एक इमोशन रहता है, तो वो सभी बच्चे आज आए थे, इन लोगों से बात किया गया, हमारे अंदर क्या सुधार की गुंजाइश है ये उनसे हम लोग सीखते हैं। बिल्कुल सर, सिखाते हुए बच्चों से ही सीखते हैं, पिछले चूँकि 25-26 वर्षों में हमने जो कुछ भी सीखा है अपने छात्रों को सिखाते हुए उन्हीं से सीखा है, तो बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं उनके कि और क्या सुधार की गुंजाइश है और क्या बेहतर हम कर सकते हैं। अच्छा सर, और वही सारी चीज़ें नोट डाउन होता है, फिर उस पर काम किया जाता है, नए जनरेशन में जो बच्चे आ रहे हैं जो उसके बाद वाले बच्चे होंगे इस सेशन के, उन्हें काफ़ी बेनिफिट होता है। अच्छा सर, अच्छा सर, जैसे बात करें अभी आपने सर डॉक्टर वो जो MBBS के स्टूडेंट हैं उनसे बात किया, 200 अबव बच्चे थे सर, मेजर क्या प्रॉब्लम आई सर, किस पे लगा कि सर इस पे काम किया जाए सर, जो बच्चे आपको बताए सर? बिहार के बच्चों के साथ एक जो मेजर प्रॉब्लम है कि इनका बेस बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि पढ़ाई का वो स्तर नहीं है उनका, 10th तक देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का 4 साल बहुत महत्वपूर्ण होता है, 9th, 10th, 11th एंड 12th। 9th, 10th में अब बिहार की पूरी बात करें, बिहार में टीचर देखिए यही विडम्बना है कि बिहार के टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं इतनी लचर इतनी अपरिपूर्ण है कि वो चाह करके भी अब बच्चों को वो सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, इंफ्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कमी है। और दूसरी तरफ की स्कूलिंग खास करके जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई का स्तर है वो बहुत नीचे चला गया, हम लोग तो सरकारी संस्थान में पढ़े, जितने बड़े अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पे हैं बिहार में और बिहार से बाहर और देश विदेशों में नाम रोशन कर रहे हैं, ये सभी सरकारी संस्थान से पढ़े हुए छात्र थे, तो उस ज़माने में सरकारी संस्थान में कैसे टीचर की क्वालिटी थी और क्या उनकी डिग्निटी और क्या उनका वो सारा लेवल था, आज वो डिटोरिएट किया है। ऐसा नहीं कि टीचर अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनको उस तरीके से मैनेज, उस तरीके से उसकी मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि उसके प्रतिफल निकल करके सारे अच्छे नहीं आ रहे। तो हमने जो बच्चों को देखा यहाँ पे, जब महसूस मैं करता हूँ कि 10th तक की पढ़ाई बहुत बहुत उस स्तर तक नहीं है
कि जहाँ से कंपटीशन क्वालिफाई किया जा सकता है। बोर्ड की तैयारी और कंपटीशन की तैयारी में फ़र्क होता है। बिल्कुल सर। आज जो कंपटीशन का रुख बदला है 26 वर्षों में, मैंने देखा बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अगर मेडिकल एंट्रेंस की बात मैं करूँ, उस लेवल पे जो बदलाव आया है, बदलाव के साथ जो पढ़ाई में बदलाव आना चाहिए, ये बच्चे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें गाइड करने वाले उस लेवल के लोग नहीं हैं। तो ज़्यादातर जो मुझे कमियाँ दिख रही हैं कि बच्चे का 10th तक का लेवल कमज़ोर है, और वो लेवल को मजबूत कराना 11th 12th में, 4 साल की पढ़ाई को 2 साल में करवाना, ये हमारे लिए चैलेंज है। फिर भी हम लोग करते हैं। इसी वजह से कभी कई बार बहुत सारे अच्छे बच्चे भी ड्रॉप कर जाते हैं और 1 साल के बाद उनका रिजल्ट होता है। यदि 9th 10th भी अच्छा हो जाए, अच्छा या फिर 9th 10th में अच्छे गाइडलाइन उनको मिल जाए और उस लेवल पे अपने टीचर के साथ सही पढ़ाई सही दिशा में कर लें, तो निश्चित रूप से वो अपियरिंग में रिजल्ट देने वाले डिजर्विंग बच्चे हैं बिहार के अंदर। हम तो बताएं कि ऐसे साधारण साधारण बच्चे बड़े प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में गए जिनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब न जानने वाला बच्चा अगर दिल्ली एम्स में पढ़ रहा है आज, तो बहुत बड़ी बात है सर। मुझे लगता है कि समझना होगा, हम सब लोगों को ज्वाइंट एफर्ट्स लगाना होगा। आपने गोल विलेज का जिक्र किया जहां आप बैठे हैं, बिल्कुल सर। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में बिजनेस लोगों ने नहीं किया है, बहुत बिजनेस किया, बहुत पैसे अर्न किए, लेकिन यहाँ के पैसे कमा कर लोग बाहर चले गए। बिल्कुल। बिहार में वो चीज़ें डेवलप करने का सोच रख करके भी शायद कोई कारण रहा होगा, नहीं कर पाए। बिल्कुल। हमारी टीम, हम सब लोगों ने हमारे टीचर्स का सपोर्ट से और सोसाइटी समाज के बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध और अच्छे लोगों का सहयोग मिला और मेरा मनोबल उस लेवल पर बढ़ा और हम लोगों ने काम किया ऐसा कि आज 13-14 एकड़ में ये गोल विलेज है। यहाँ पे इतने सारे हज़ार बच्चे अभी रेजिडेंशियल हमारे पास रह रहे हैं। अच्छा सर। इन लोगों में से मैक्सिमम बच्चों का अभी 2024 में रिजल्ट भी आने वाला है। अच्छा। कुछ बच्चे अगर बच गए, रिपीट करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर रिजल्ट होगा। अच्छा। ये सिलसिला जारी है, 17 से शुरू किए थे, अभी तक लगातार बच्चों का रिजल्ट आ रहा है। अच्छा। छोटे संक्षेप में मैं बता दूँ, 97 में संस्थान की शुरुआत हुई थी पटना से, 98 बनारस था, 99 बोकारो, और इस प्रकार दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस होते हुए बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में हमने काम किया है 18 ब्रांच के साथ। और सभी जगह मैंने बच्चों को देखा, समझा, परखा, पहचाना। दिल्ली और बिहार में मुझे निर्णय लेना था 2009 में कि हमें दिल्ली के ब्रांच के साथ चलना है या पटना वापस जाना है, तो किसी न किसी को मुझे ऑफ करना था, तो मैंने दिल्ली को ऑफ करना ज़्यादा अच्छा समझा और बिहार को हमने ऑफ किया। वजह क्या था कि बिहार के बच्चे आज भी बहुत जुझारू हैं, जुनूनी हैं, इनके अंदर इच्छा शक्ति है, और सबसे अच्छी बात कि आज भी सम्मान अपने टीचर्स को देते हैं। बिल्कुल सर। जो दूसरे जगह कम होता है, और रिजल्ट के बाद भी वो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको याद रखते हैं लंबे समय तक। अक्सर मैं देखता हूँ, मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ, हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो गोल संस्थान से पढ़े हुए स्टूडेंट्स दिख जाते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि एक टीचर के लिए उससे बढ़िया दिन और बढ़िया समय क्या हो सकता है। ये इमोशन था, ये मोटिवेशन था, वो बच्चों का प्यार था, अभिभावकों का सहयोग था, कुछ अच्छे प्रबुद्ध लोगों का सहयोग था कि मुझे दिल्ली छोड़कर पटना आने के लिए विवश किया। और जब हम यहाँ आए तो कुछ नया और बड़ा करना था, तो जैसे गोल ने पहली बार गोल का टेस्ट सीरीज आया था, पूरे भारत का इकलौता पहली बार था टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज उससे पहले 97 के पहले कहीं किसी टीम में नहीं हुआ करता था, तो जैसे टेस्ट सीरीज में हम पायनियर थे, आज गोल विलेज स्थापित कर ये चीज़ें हमने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है कि अगर छोटी सी कोशिश किया जाए ईमानदारी से, तो ऐसे और इससे और बेहतर व्यवस्था दी जा सकती है। और इतने सक्षम लोग हैं हमारे बिहार के अंदर, वो कर सकते हैं। बिल्कुल सर। एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक सपोर्ट मोटिवेशन होना चाहिए, और एक सोच होनी चाहिए। तो ऐसे सोच आया आप सब लोगों के सहयोग से, जिस वजह से गोल विलेज बना, इसके अच्छे रिजल्टेंट्स आ रहे हैं और बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। साधारण परिवार के बच्चों को इतने कम खर्च में अगर रख कर और वो मेडिकल कॉलेज तक पढ़ाई, मेडिकल कॉलेज मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक अगर भेजा जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हो रहा है, समाज में सुधार हो रहा है। और गांव से निकले हुए वो मेधावी बच्चे जो कहीं एक छोटे से सहयोग के बिना उनके सपने अधूरे हो जा रहे थे, वो उनका पूरा होने का मौका मिल रहा है, तो ये सौभाग्य हमें भी मिलता है पूरा करने का। एक कुछ मेरे मन में एक जगह का नाम याद आ रहा है सर, जब मेडिकल और जय की बात होती है तो कोटा का नाम आता है, लेकिन सर आज जब मैं गोल विलेज को देख रहा हूँ तो सर मैं सोच रहा हूँ कि उससे बेहतर मेरा पटना है सर और गोल है सर। मैं पिछले 26-27 वर्षों में सिर्फ अपने काम पे फोकस किया हूँ। हमसे बेहतर अगर कोई है तो मैं ज़रूर उनसे कोशिश करता हूँ कि उनसे अच्छा करूँ,
बट मेरे लिए सब लोग सम्मानित हैं, वो कोटा हो, दिल्ली हो, जो भी संस्थान अच्छा काम कर रहा है मैं उनको सम्मान देता हूँ, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। कभी सर हम लोग गोल विलेज को पूरा विजिट करें सर? बिल्कुल कर सकते हैं, आप दिन में आइए, पूरे गोल विलेज के लाइब्रेरी को देखिए, यहाँ योगा हॉल को देखिए, बच्चों का डाइनिंग एरिया देखिए, यहाँ पे पढ़ाई कैसे होता है, किस तरीके से डिस्कशन कहाँ पे करवाए जाते हैं, कहाँ पे कौन सा रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, कैफेटेरिया है, क्लासरूम है, हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक बनाया गया है, इको सिस्टम डेवलप किया गया है जहाँ पे बच्चे आए और यहाँ पे आते आते उनको लगे कि आने वाले समय में हम सीधा यहाँ से मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे सोच, बिल्कुल ऐसे सोच के साथ वो बच्चे जब यहाँ पढ़ाई करते हैं, जब उनके अंदर ये आत्मविश्वास होता है तो रिजल्ट में कन्वर्ट। सर एक क्वेश्चन, सर टाइम तो नहीं लेंगे सर, बहुत लेट हो रहा है सर आपको, एक क्वेश्चन सर, प्री फाउंडेशन का आप बात कर रहे थे, हमारे जो बिहार के बच्चे हैं प्री फाउंडेशन में थोड़ा कमज़ोर रह जाते हैं सर, उनके लिए गोल विलेज गोल क्या कर रहा है सर? क्योंकि वो स्कूल से जुड़े हुए हैं, मेरी प्राथमिकता ये होती है कि स्कूल में पढ़ने वाले को स्कूल में पढ़ने देना चाहिए और स्कूल की पढ़ाई और उसका एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी और करिकुलम है उसको फॉलो करना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ। तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को स्कूल छुड़वा के मैं नहीं करा सकता हूँ, स्कूल की अच्छी पढ़ाई हो, स्कूल का पूरा कोर्स पूरा करें और साथ साथ उस स्कूल की पढ़ाई के साथ अगर हमारे ऑनलाइन का सिस्टम से वो अगर जुड़ते हैं या फिर हमारे नियरेस्ट सेंटर पे वो आकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो सप्ताह के 3-4 दिन भी अगर हमारे साथ वो आते हैं और हम अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो कंपटीशन को पहले से वो महसूस किए होते हैं, आगे जाकर उनको बहुत आसानी और सहूलियत होता है। 11th 12th में अज सच इतना बड़ा पहाड़ उन पर नहीं टूटता है, लेकिन जो 9th 10th में भी बिल्कुल अनभिज्ञ हैं वो बच्चे जब अचानक 11th 12th में उस तरीके का प्रेशर महसूस करते हैं तो वहीं से वो बिखराव आता है, भटकाव आता है और बच्चे कहीं ना कहीं से डिमोटिवेटेड होते हैं। तो मेरा मानना है कि 9th 10th के बच्चे कम से कम हमारे सिस्टम से ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं, कुछ नहीं जुड़े तो हम लोग से सजेशन ले लें कि कैसे पढ़ना और क्या करना चाहिए ताकि वो पहले से कंपटीशन को महसूस कर सकते हैं। और कुछ एक्टिविटी है जैसे गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है, उस तरीके के एग्जामिनेशन से सिर्फ जुड़ जाएं तो बाकी सारा वेबिनार के माध्यम से और सब कुछ हम लोग बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं और उसका फ़ायदा मिलता है। थैंक यू सो मच सर।